ये मेरा बेटा जो है ना, बहुत मजे मजे के लतीफे सुना। हम ना थोड़ा सा खा लो। वैसे खाना बहुत ही मजेदार है। सारा खाना मरियम ने बनाया है। माशाल्लाह, मरियम तो बहुत ही मजे के खाने बनाती है। कुकिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं आप जी? आई मीन हॉबीज क्या हैं आपकी? बताओ ना। बस खाना पकाना ही मेरा शौक है। और फरमान आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट फर्म में आईटी मैनेजर हूँ। माशाल्लाह। ये बातें करते रहेंगे तुम्हें खाना नहीं खाने देंगे। अच्छा चलो ये कबाब लो। जी जी। बहन आप तो बहुत तकल्लुफ कर रही। अरे नहीं बहन, मैंने बहुत खा लिया, तकल्लुफ कैसा? आपका अपना घर है, कुछ ले। आखिर कब तक उन मासूम लड़कियों की जिंदगियों से खेलेगा तू? तौबा कर ले आलम, आखिर किस चीज की कमी है तुझे? शोहरत की, दौलत की? निकल आए इस कीचड़ से आलम। अरे कुछ नहीं तो अपने बहन के बारे में सोच, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच। तेरे कारनामों के नतीजे में खुदा का कहर नाजिल हुआ तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तौबा कर ले आलम। मलिक, क्यों आए आप यहां? मैं जानता हूं तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या तुम अपनी तरह मुझे एक बार मेरी गलतियों की तलाफी करने का मौका नहीं दोगे? मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मलिक बात यह है, जिस तरह तुम्हारा जमीर जाग गया था ना, देर से ही सही, लेकिन मेरा जमीर भी जाग गया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं जानता था कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा और तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी हो। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है कि कोई मुझ पर भरोसा भी करे। लेकिन हकीकत यही है मलिक, मेरे किए हुए गुनाह मुझे रात भर सोने नहीं देते। आंखें बंद करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ जोर जोर से रो रहा हो। तुमने बहुत अच्छा किया जो इस लड़की की जिंदगी और इज्जत मुझसे बचा ली। तुम जानते हो कि मेरी जात से शायद ये दोनों माँ बेटियां ही हैं जिनको सबसे कम नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इसलाह का आगाज इसी घर से करना चाहता हूँ। मैं मरियम और उसकी माँ से माफी मांगना चाहता हूँ। आलम साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले आलम साहब। क्या बोलूं? मैं आपसे और
आपकी बेटी से बात करना चाहता हूं। मैं अपनी ज्यादतियों की, अपने जुल्मों की माफी मांगना चाहता हूं आप लोगों से। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं मेरे गुनाह काबिले तलाफी नहीं है, मैंने आप पर और आपकी बेटी पर बहुत जुल्म किया है, मेरे गुनाहों का खमियाजा मेरी बहन को भुगतना पड़ा, मुझे अब जाकर अंदाजा हुआ है कि इज्जत जाने का दर्द क्या होता है। इंसान को कितने कर्म से, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। मेरी बहन बेकसूर थी, उसे मेरे गुनाहों की सजा भुगतना पड़ी है। कसूर तो हमारा भी कुछ नहीं था, हमने तो आपको फरिश्ता समझा था, लेकिन आपने तो हमारा साहिबानी छीन लिया। उस रात अगर मेरी बेटी वहां से भाग निकलती तो खुदा जाने उसके साथ कितना गलत हो जाता। फिर क्या कोई इज्जतदार आदमी उसे अपनी इज्जत बनाता? हम तो जीते जी मर जाते। नहीं, मैं अपने सारे गुनाह मानने को तैयार हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे, मुझे पुलिस के हवाले कर दे आप, लेकिन बस एक दफा मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। क्या होगा आपके शर्मिंदा होने से? हाँ, क्या मेरा बाप वापस आ जाएगा? और अगर ऐसा हो सकता तो ठीक है, मैं आपको अभी इसी वक्त माफ कर दूंगी। आलम साहब, हर गुनाह की माफी नहीं होती। जाके पूछिए अपनी बहन से, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी नायाब और कीमती होती है। और फिर उन लड़कियों के बारे में सोचिएगा जिनकी जिंदगियां आपने कुछ पैसों के बस पर बात कर दी। जब भी उस रात के बारे में सोचती हूं उससे लरस जाती हूं। अल्लाह ने मेरे लिए वो रास्ता ना निकाला होता तो आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तलाफी नहीं हो सकती। कहने को तो हम आपको माफ कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात माफी सिर्फ एक लफ्ज बन जाता है और आपको माफी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी आपको माफी। तूने सपने मेरे एक पल में कई दिल के टुकड़े किए, मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयां, आंखों में जम गई जिनकी परछाइयां। प्यार मेरा गवाह सुन रे बेवफा, अब देख खुदा